तुर्की सीरिया में भीषण भूकंप के बाद नजर आ रहा तबाही का मंजर। भारत ने बढ़ाए मदद के लिए हाथ। तुर्की सीरिया की सहायता के लिए भारत ने शुरू किया ऑपरेशन दोस्त। तुर्की में सोमवार की सुबह एक ऐसी कयामत की सुबह थी जिसने तुर्की और सीरिया को थर्रा कर रख दिया। 7.8 तीव्रता के उस भीषण और बेहद शक्तिशाली भूकंप से दोनों देश दहल गए, जिसके बाद यहां अब सिर्फ तबाही का ही मंजर दिखाई दे रहा है। अब तक कई हजार मौतों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि घायलों की संख्या का तो सटीक आंकड़ा ही नहीं है। दोनों देशों में सैकड़ों इमारतें जमींदोज हुई तो उसके मलबे में दबे लोगों को निकाले जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। मुसीबत की ऐसी घड़ी में भारत ने तुर्की और सीरिया की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। भारत ने उनकी मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की है। भारतीय वायुसेना के C-130J हरक्यूलिस विमान गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। विमान बुधवार को तुर्की में लैंड हुआ है। 99 सदस्यीय दल के साथ तुर्की पहुंचे भारतीय दल ने लैंड करने के साथ ही ऑपरेशन जिंदगी की शुरुआत कर दी है। भारतीय वायुसेना के हरक्यूलिस विमान से भेजे गए राहत बचाव सामग्री को उतारा गया है और प्रभावित इलाकों में अपने कैंप लगाकर वहां पर प्रभावित लोगों की सहायता शुरू कर दी गई है। इस विमान के जरिए 6.5 टन इमरजेंसी सहायता और जरूरी जीवन रक्षक दवाएं भेजी गई हैं। गौरतलब है कि भारतीय सेना ने 7 फरवरी को तुर्की को चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए एक टीम तैयार की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर हुए जान और माल के नुकसान पर अपनी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने प्रभावित लोगों के जल्द सामान्य होने की कामना भी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत संकट के इस वक्त में तुर्की के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है और उनकी हर संभव सहायता के लिए भी तैयार है। इस बीच भारतीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सीरिया के राजदूत बासम अल खतीब से मुलाकात की है। इस संबंध में जो जानकारियां साझा की गई हैं उसके मुताबिक भारत भूकंप से प्रभावित तुर्की में 30 बेड वाला चिकित्सा केंद्र बना रहा है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के सुपर हरक्यूलिस विमान के जरिए सीरिया में चिकित्सा आपूर्ति भी की जा रही है। आपको बता दें कि मंगलवार रात गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे से भारतीय वायुसेना के हरक्यूलिस विमान ने तुर्की के लिए उड़ान भरी थी। सेना के कई जवानों और अधिकारियों के साथ डॉक्टरों की एक टीम ने अपने ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। भारत पहले ही तुर्की को 2 विमान भेज चुका है। इस विमान में चिकित्सा उपकरण, चिकित्सा दल, NDRF की टीमें, बचाव दस्ता, डॉग स्क्वाड और राहत सामग्री आदि मौजूद हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।